हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, मैं आज ये सेकंड वीडियो छोटी सी बना पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, पर प्रॉमिस को पूरा करना था। तो मेरे लिए समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए रेडी कर दी, जिसमें थोड़ा सा क्यूट यी जान मोमेंट है और जो आपको जान का उसकी फैमिली से रीयूनियन दिखाएगा। तो एंजॉय। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान की याददाश्त वापस आ जाती है और वो यीबो के साथ अपनी वही 2 सालों पहले वाली लाइफ में वापस आ जाता है और जान सेहुन को कॉल करके उसे बता देता है कि उसे अब सब याद आ चुका है और वो अब से अपने प्यार के साथ ही रहेगा। और ये कहकर जान सेहुन के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है और सेहुन से बहुत डिसअपॉइंट होता है कि 2 सालों तक सेहुन जान से झूठ बोलता आया था। वहीं यीबो को जान का सेहुन को लेकर कंसर्न जेलस फील कराता है और वो मन में सोचता है कि अगर जान सेहुन को प्यार नहीं करता तो उसे अपनी खबर देने के लिए इतना परेशान क्यों है। वहीं इस बात का यीबो को रिग्रेट होता है कि इन 2 सालों में जान का बॉन्ड एक दूसरे आदमी के साथ था और ये बात यीबो को बहुत इरिटेट करती है जब भी सेहुन का नाम उसके सामने आता है कि काश वो जान को 2 साल पहले एक्सीडेंट के बाद सेहुन से पहले ढूंढ पाता। पर अब यीबो इस काश शब्द को साइड में रखने का सोचता है क्योंकि ये काश शब्द बस यीबो को रिग्रेट ही फील करवाता। जहां इस वक्त यीबो खुश रहना चाहता था क्योंकि अब उसके लाइफ की खुशियां उसके पास थी जिसे वो कब से वापस पाना चाहता था। फॉरेस्ट विला में वो दोनों बहुत रिलैक्स्ड थे। वो हर दिन हंसते थे, मेकआउट करते थे, साथ खाते थे, साथ बात लेते थे, हर चीज साथ साथ करते थे, मानो 2 कागजों को ग्लू से एक दूसरे के साथ चिपका दिया गया हो जिन्हें अब कोई अलग नहीं कर सकता। उन दोनों को विला में रहते हुए 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुके थे और जान के लिए यीबो अपना काम तक भूल बैठा था। जहाँ यीबो को इतने लंबे समय तक ऑफिस से एबसेंट पाकर श्वानलू और बाकी सारे बहुत परेशान थे। श्वानलू कई बार यीबो को कॉल कर चुकी थी पर हर बार यीबो कह देता था कि वो वेकेशन पर है। पर एक हफ्ते में ही श्वानलू बहुत परेशान हो चुकी थी सब कुछ अकेले संभालते हुए। तो वो मन में सोचती है कि इस बार यीबो के वापस आने पर वो अपनी सैलरी हाइक करवा कर ही रहेगी और हार मानकर वो हाई क्वान को हेल्प के लिए कंपनी बुलाती है। जहां हाई क्वान श्वानलू से यीबो का जानकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यीबो ऑलरेडी डिप्रेशन में था, तो कहीं फिर से वो अपनी हालत 2 साल पहले वाली ना कर ले जहां वो श्याओजा के दुख में अपनी वॉन्ग कंपनी को भूल चुका था। अपने इन ख्यालों में रहते हुए ही हाई क्वान यीबो को वीडियो कॉल करता है और यीबो के पास स्वीट मैन श्याओजा को बैठा देखकर हैरान रह जाता है और यीबो पर सवालों की बारिश कर देता है, जिसके बाद हाई क्वान यीबो से सारा सच जानकर गिल्टी फील करता है कि वो अब तक यीबो से ये एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करता आया था कि जान मर चुका है। पर सच तो ये था कि आज यीबो का यकीन जीत गया था, इसलिए हाई क्वान अपने गिल्ट को कम करने के लिए अपनी मर्जी से यीबो की कंपनी संभालने का सोचता है और यीबो को वो जब तक चाहे तब तक अपना वेकेशन जान के साथ एंजॉय करने को कहता है। फॉरेस्ट के ठंडे मौसम में जान और यीबो अपने बेड पर एक दूसरे की बाहों में थे। तभी यीबो के बालों में अपने हाथों को फहराते हुए जान पूछता है कि वो अब घर कब जाने वाले हैं, जिसे सुनते ही यीबो जान की तरफ क्वेश्चनिंग लुक के साथ देखकर पूछता है कि वो यहाँ से क्यों जाना चाहता है। क्या उसे यहाँ फॉरेस्ट विला में अच्छा नहीं लग रहा? वो तो हमेशा से ही यहीं रहना चाहता था। पर यीबो के सवाल सुनकर जान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अपनी शीजे को मिलना चाहता है। और ये कहकर जान यीबो से अपनी शीजे का हाल चाल पूछता है, जिसे सुनते ही यीबो अपना सिर नीचे कर लेता है, ये सोचकर कि वो जान को कैसे सब एक्सप्लेन करे कि अब जी शीजे और जिनशा यीबो से नफरत करते हैं और उसे देखना भी नहीं चाहते। लेकिन फिर भी यीबो जान को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके जाने के बाद उसकी शीजे बहुत दुखी हुई थी, पर अब वो ठीक है। उन्होंने जिनशा से शादी कर ली है और उन दोनों की एक प्यारी सी बेबी गर्ल है। यीबो से अपने शीजे के बारे में सुनते ही जान एक्साइटेड होकर बेड पर उठकर बैठ जाता है और एक स्माइल के साथ एक्साइटेड टोन में पूछता है कि क्या यीबो सच कह रहा है, अब जान की एक नीस है।
फिर जान यीबो को उसे उसकी शीजे से मिलवाने ले चलने को कहता है, जिस पर स्माइल के साथ यीबो ओके कहता है, पर मन में डर रहा था कि पता नहीं उसे देखकर जान की शीजे उसके साथ क्या करेगी। जिसके बाद अपना ब्रेकफास्ट पूरा करके वो दोनों मॉर्निंग में ही बीजिंग जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में जान यीबो से बहुत कुछ पूछता है और वो साफ साफ अपनी शीजे आचिंग और अपनी नीस से मिलने के लिए सुपर एक्साइटेड दिख रहा था। वहीं यीबो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि वो जान के घर से धक्के मारकर फिर से निकाला भी जा सकता है। आफ्टरनून तक जान अपनी शीजे के घर के बाहर था और यीबो के कार को रोकते ही जान फौरन कार से बाहर आकर डोर बेल कई बार बजाता है, जहां इस वक्त जान के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी और वो अपनी शीजे से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। वहीं घर के अंदर आचिंग अपनी बेबी गर्ल के पास था जो उस वक्त सो रही थी, और इतने सारे डोर बेल्स की आवाज सुनकर जिनशा अनॉयड फील करते हुए सोचता है कि इतना बेसब्र गेस्ट कौन हो सकता है। लेकिन दरवाजा खोलते ही आचिंग जी यी का नाम लेकर चिल्लाते हुए उसे बुलाने लगता है, बिना इस बात की फिक्र किए कि उसकी बेटी उस वक्त सो रही थी। जी यी को आने के लिए बुलाकर आचिंग रोते हुए फौरन अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने गले लगा लेता है। तभी जी यी जो किचन में थी आचिंग का चिल्लाना सुनकर जैसे ही बाहर आती है फ्रोज रह जाती है। उसका हस्बैंड जिसे गले लगाए हुए था वो उसका भाई था जिसे वो 2 साल पहले खो चुकी थी। ये देख जी यी भागकर अपने भाई जान को टाइटली गले लगा लेती है और जान भी सेम टाइटनेस के साथ अपने शीजे को हक रिटर्न करता है और वो दोनों ही एक दूसरे को हक किए बस रोए जा रहे थे। थोड़ी देर उसी तरह रहने के बाद जी यी जान को अंदर आने को कहती है, पर उसकी बात बीच में ही रुक जाती है जब वो जान के पीछे यीबो को खड़ा देखती है। यीबो तुम? जी यी के ऐसा कहते ही यीबो जी यी और आचिंग को हेलो कहता है, क्योंकि अभी भी गिल्ट की वजह से यीबो कुछ नहीं कह पा रहा था, जहां वो अच्छे से जानता था कि आचिंग और जी यी उसे अभी भी हेट करते हैं। पर तभी जान फौरन स्माइल के साथ अपनी शीजे को बताता है कि यीबो की वजह से ही उसकी याददाश्त वापस आई है। ये कहकर जान फ्रोज अपनी जगह पर खड़े यीबो का हाथ थाम कर उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है और सबको एक बड़ी सी स्माइल के साथ देखता है। लेकिन जी जान की बात से हैरान हो जाती है जब वो याददाश्त वाली बात सुनती है। तभी जान यीबो की तरफ देखकर पूछता है कि वो चुप क्यों खड़ा है और यीबो का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगता है, जहां यीबो अपनी आंखों में डर लिए जी यी की तरफ देखता है और अपनी जगह से एक इंच नहीं हिलता, क्योंकि वो जी यी की परमिशन के बिना घर के अंदर नहीं जा सकता था। वहीं जी यी और आचिंग भी अनफ्रेंडली लुक के साथ यीबो को देखे जा रहे थे। तभी जी यी यीबो को अंदर आने को कहती है और ये सुनकर यीबो राहत की सांस लेता है और जान के साथ अंदर एंटर करता है, जहां जान सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि उसे अपनी शीजे आचिंग और यीबो के बीच की सिचुएशन का पता ही नहीं था। वो सारे लिविंग रूम में बैठकर जान से सारी बात जानते हैं, जहां जान उन्हें अपनी एनमीशिया सिचुएशन और कोरिया की लाइफ के बारे में बताता है और फिर वो चाइना कैसे आया ये भी। लेकिन जान उन्हें सारी बात नहीं बताता कि कैसे यीबो ने उसे किडनैप किया था और फिर उसका रेप भी, क्योंकि जान वो सब याद करके शाय और ट्रॉमाटाइज्ड दोनों फील कर रहा था। इसके अलावा वो यीबो की इमेज अपनी शीजे और आचिंग के सामने खराब नहीं करना चाहता था, जो अब उसका ब्रदर इन लॉ बन चुका था। जान से सारी बात जानकर जी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, तो क्या इसका मतलब वो आदमी जिसका नाम तुमने ओह सेहुन बताया, वो इतने समय तुम्हें छुपा कर रखता आया था? जिसे सुनकर जान कहता है कि हो सकता है कि वो गलत हो, पर उसी ने जान की जान बचाई थी और अब तक उसका ख्याल रखता आया था। जान ये इसलिए कहता है क्योंकि उसे एहसास था कि अगर सेहुन ने उसे बचाया ना होता तो वो अब तक मर चुका होता। सेहुन की बस इतनी ही गलती थी कि उसने जान की पहचान को लेकर झूठ बोला था। तभी जी पूछती है कि जान ने सेहुन का प्रपोजल भी एक्सेप्ट किया था, तो क्या जान उस आदमी से प्यार करता है? जी ये यीबो की तरफ बिना देखे जान से पूछती है, मानो उसे यीबो के वहां होने का कोई फर्क ना पड़ रहा हो। लेकिन अपनी शीजे का ये सवाल सुनते ही जान फौरन यीबो की तरफ देखता है, जो उसके साथ ही बैठा था, और अपनी शीजे को जान फर्मली जवाब देता है कि वो सेहुन को प्यार नहीं करता, उसने तो बस सेहुन का एहसान मानते हुए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था और अब जब
उसे सब याद आ गया है तो वो जानता है कि वो सिर्फ यीबो को प्यार करता है। जान ये सब इसलिए क्लियरली और फर्मली कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यीबो उसे लेकर इनसिक्योर फील करे, और साथ ही उसे यीबो के प्रति अपनी शीजे और आचिंग का बिहेवियर भी कुछ बदला हुआ सा लग रहा था कि उन्हें यीबो के वहाँ होने की परवाह ही नहीं हो रही थी। जिसके बाद जी पूछती है कि तो फिर जान अब क्या करना चाहता है, जिस पर जान कहता है कि वो सेहुन हयोंग की रिंग उन्हें वापस कर देगा और वापस यीबो के साथ रहने लगेगा, जिसके बारे में यीबो और वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पर जान की बात खत्म होते ही जी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए ऊंची आवाज में कहती है, नहीं तुम बस शीजे के साथ ही रहोगे। जिस रिएक्शन को देखकर जान शॉक रह जाता है और यीबो ऐसे ही किसी रिएक्शन की जी से उम्मीद कर रहा था। तभी एक लंबी खामोशी के बाद यीबो बोलता है, जी जीए मैं जानता हूँ आप सब मुझसे अभी भी नफरत करते हो और वो सब मेरी ही गलती थी, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैं जान को अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करूँगा। ये सब सुनकर जान हैरानी से एक बार यीबो को तो एक बार अपनी शीजे की तरफ देखता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ है। तभी जी जान को इग्नोर करके यीबो से कहती है, मैं कैसे मान लूं कि तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे, लास्ट टाइम भी तुमने यही कहा था, पर जान को अकेला छोड़ दिया और उस लड़की का ख्याल रखना चुना जहां मेरा भाई उस वक्त प्रेग्नेंट था और मुझे वो हॉस्पिटल बेड पर अकेला मिला था, तुम वहां मेरे भाई का साथ निभाने के लिए नहीं थे। आखिरी लाइन जी अपनी सीट से उठकर इतनी ऊंची आवाज में बोलती है कि जियांग याली जो आचिंग की गोद में थी रोने लग जाती है, जिसे लेकर आचिंग वहां से फौरन चला जाता है और यीबो जीई के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, जहां जीई एक एक करके उसे सारी पुरानी बातें याद दिलाई जा रही थी जिन्हें सुनकर यीबो को खुद को ही मार डालने का मन कर रहा था, लेकिन वो बस खामोशी से अपना सिर झुकाए अपने लवर की बहन का गुस्सा झेले जा रहा था। तभी जान ये सब देखकर बोल पड़ता है, शीजे ये आप क्या कह रहे हो, यीबो को तो उस वक्त पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट था। अपनी शीजे का गुस्सा देखकर जान धीरे धीरे पैनिक होता जा रहा था क्योंकि उसे पूरे हालात समझ आने लगे थे। फिर जान यीबो को उठाने की कोशिश करते हुए कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, पर यीबो जीई के सामने से नहीं उठता। तभी जीई गुस्से में जान से यीबो को डिफेंड करने के लिए मना करती है और यीबो से कहती है कि उससे बेहतर तो उसका भाई था जो फौरन जान की बात सुनकर हॉस्पिटल आ गया था और यीबो के लिए जान कह रहा था कि यीबो बिजी है और आज भी वो यीबो को ही डिफेंड कर रहा है जिस इंसान की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। जीई की बात सुनकर यीबो अपनी नम आंखों के साथ सॉरी कहता है और यीबो के सॉरी कहते ही जीई यीबो को गुस्से में एक जोर का थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर जान की आत्मा तक चीख पड़ती है और वो रोते हुए फौरन यीबो को टाइटली हक करके कहता है कि उस एक्सीडेंट में यीबो की कोई गलती नहीं थी, वो तो जान की लापरवाही की वजह से हुआ था, इसलिए कोई भी यीबो को ब्लेम ना करे। और ये कहकर भी जान एक पल के लिए भी यीबो को अपने हक से रिलीज नहीं करता। वहीं यीबो भी खामोशी से रोता रहता है, फिर हिम्मत जुटाकर जीई को कहता है कि वो अपनी पुरानी गलती बदल नहीं सकता, पर ऐसी गलती दोबारा वो कभी नहीं करेगा। वो जान से प्यार करता है इसलिए उसे अपनी पूरी लाइफ बचा कर रखेगा। और ये कहते हुए यीबो जान को उसके साथ रहने देने के लिए रिक्वेस्टिंग टोन में जीई से परमिशन मांगने लगता है, जहां यीबो को इस तरह अपने लिए गिड़गिड़ाता देख जान को बहुत दुख हो रहा था क्योंकि उसने किसी भी चीज के लिए यीबो को कोई ब्लेम नहीं किया था। जान तो बस यीबो के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता था। तभी जान रोते रोते कहता है, शीजे मैं यीबो से प्यार करता हूँ, जो कुछ भी हुआ था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यीबो को कभी नहीं छोड़ सकता, और आप अगर यीबो को हर्ट करोगे तो वो मुझे हर्ट करने जैसा होगा। जान की बात सुनकर जीई डिसअपॉइंट होते हुए सोफे पर बैठ जाती है और सोचती है कि उसका भाई प्यार में अंधा हो चुका है। तभी आचिंग वापस लिविंग रूम में आते हुए जीई से यीबो को माफ करने के लिए कहता है और ये भी कि उन सब में सबसे ज्यादा यीबो ने ही सफर किया है। जान को खोना, सबकी बातें सुनना, सबसे अलग हो जाना और अपने गिल्ट और रिग्रेट की वजह से यीबो उन सबसे ज्यादा दुखी रहा है। और वैसे भी उन दोनों के लिए जान की खुशी सबसे पहले होनी चाहिए और उसकी खुशी यीबो के साथ है। आचिंग की बात को समझते हुए जीई एक गहरी सांस भर के यीबो और जान को जमीन से उठने को कहती है, तो जीई की बात सुनते ही यीबो एक
राहत की सांस लेता है और वो दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। फिर जी यीबो को देखकर कहती है कि वो एक बार और यीबो पर यकीन करके अपना भाई उसे दे रही है और फिर जी यीबो से रिक्वेस्ट करती है कि इस बार वो उसे और उसके भाई को निराश ना करे। जी की बात सुनकर यीबो खुशी से स्माइल करता हुआ कहता है कि वो किसी को भी इस बार निराश नहीं करेगा। वहीं यीबो को स्माइल करता देख जान के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो फौरन अपनी शीजे को गले लगाकर थैंक यू और फिर आई लव यू कहता है, जिस पर जी भी स्माइल के साथ जान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि वो भी अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती है और अब जान अपनी बहन को कभी उदास ना करे। तो गाइज आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन में यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।